किसी भी देश की फाइनेंस सिस्टम को मजबूत रखने में उस देश में मौजूद बैंकों की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब तक बैंक की हालत ठीक नहीं होती, आप ना ही लोन ले पाएंगे और ना ही कोई नया बिजनेस शुरू कर पाएंगे। यानी अगर बैंक के पास पूंजी अधिक होगी तो वो अधिक आसान ब्याज पर लोन देंगे। निवेशकों को आसान किस्तों पर जब लोन मिलेगा तो वो निवेश करने के लिए और अधिक आगे आएंगे, जिससे नए उद्योग लगेंगे, उत्पादन बढ़ेगा और जिसके परिणाम स्वरूप देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यह बढ़ेगा और देश में अधिक आर्थिक समृद्धि आएगी। इसी के साथ देश के अंदर नए उद्योग लगेंगे जिससे रोजगार सृजन होगा। कुल मिलाकर अगर देश के बैंकों की सेहत ठीक होगी तो अर्थव्यवस्था की भी सेहत ठीक होगी। नमस्कार। बैंकों के बारे में शुरुआत में इतनी बात मैंने क्यों किया, क्योंकि आज अर्थ की पाठशाला में मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक यानी DSIB। आइए जान लेते हैं क्या होता है DSIB। DSIB ऐसे बैंक होते हैं कि अगर ये बर्बाद हो जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। ये बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनके द्वारा दिया गया लोन देश की कुल GDP का 2% से भी अधिक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2022 के लिए अपने DSIB बैंकों की सूची जारी की है। ये बैंक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण स्थानीय बैंक हैं। इस सूची में बैंक जो आते हैं उनका नाम है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और HDFC। वर्तमान में जारी यह सूची पिछले साल की तरह ही बनी हुई है, क्योंकि RBI ने इस लिस्ट में शामिल बैंकों में कोई बदलाव नहीं किया है। यहीं आपको बताते चले कि सबसे पहले RBI ने 2015 और 2016 में SBI और ICICI बैंक को DSIB के रूप में घोषित किया था। 31 मार्च 2017 को बैंकों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर इस सूची में HDFC बैंक को भी शामिल किया गया। अब जान लेते हैं वो पैरामीटर्स क्या हैं जिनके आधार पर इस श्रेणी में शामिल बैंकों को शामिल किया जाता है। तो इस श्रेणी में शामिल बैंकों को अपने रिस्क वेटेड एसेट RWA का कुछ हिस्सा अतिरिक्त कॉमन इक्विटी Tier 1 के रूप में रखना होता है। Tier 1 पूंजी कैपिटल का वह हिस्सा होती है जिसे बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा इक्विटी के रूप में रखना होता है। Tier 1 कैपिटल किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की मुख्य पूंजी होती है जो रिजर्व के रूप में रखी होती है, और इसके जरिए बैंकों के ग्राहकों के कारोबारी गतिविधियों की फंडिंग की जाती है या उनकी सेहत को दर्शाता है। इसमें कॉमन स्टॉक्स, डिसॉल्व रिजर्व व कुछ अन्य एसेट्स आते हैं। DSIB श्रेणी के बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि उनके असफल होने का खतरा नहीं उठाया जा सकता, यानी इनके लिए एक फ्रेज यूज किया जा सकता है कि दे आर टू बिग टू फेल। यहीं यह भी ध्यान देने की बात है कि ऐसे NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो 500 करोड़ से अधिक का लोन दिए हों, उन्हें डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट NBFCs कहा जाता है। NBFCs वो कंपनी होती हैं जो बैंक ना होते हुए बैंक की तरह व्यवहार करती हैं। इसी क्रम में मैं आपको यह भी बताता चलूं कि भारत का कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो ग्लोबली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक हो। भारत का इकलौता बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो वर्ल्ड के टॉप 100 बैंकों में आता है। तो ये थी जानकारी उन बैंकों की जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें धे TV।